अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। मैं हूँ आपकी होस्ट जमीला। और मैं हूँ ताहिर ढिंडसा। जी, आज के प्रोग्राम में हम अगले हफ्ते में होने वाली कुछ डेवलपमेंट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का जो पहला चीन की तरफ जो पहला सरकारी दौरा है उस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ 7 नवंबर को IMF का एक डेलीगेशन पाकिस्तान आ रहा है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। मज़ीद हम शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में 7 नवंबर को एवन फील्ड केस जो है उसकी समाअत होने जा रही है। जी, हम बात अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। ताहिर साहब से पूछते हैं कि सर, आप क्या कहते हैं कि जो वज़ीर आज़म का, जब से उन्होंने गवर्नमेंट्स में आए हैं, हुकूमत संभाली है, तो चीन की तरफ ये उनका पहला सरकारी दौरा है, तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, आप क्या कहते हैं? अगले हफ्ते, बल्कि काफ़ी हद तक तो नतीजे आ भी गए हैं, अगले हफ्ते तक इसे पब्लिक और ऑफिशियल भी कर दिया जाएगा। कुछ चीज़ों का साथ साथ हो भी रहे हैं। ये एक मेजर डेवलपमेंट हुई है, चीन के साथ रीनिगोशिएट हमने से पैक करना है या नहीं करना और किस तरह आगे चलाना है, उसके बारे में बहुत सी क्या सराहियाँ थी। अब अगर आप देखें तो चीन और सऊदी अरब ने मिल के जितने पैसे दे दिए हैं उससे इनिशियल मुश्किलात काफ़ी हद तक दूर हो गई हैं और पाकिस्तान को एक उससे थोड़ा सा लीवे मिल गए। चीन ने काफ़ी सिग्निफिकेंट उसमें डेवलपमेंट सामने आई हैं, MOU मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं कुछ, और एग्रीमेंट साइन हुए हैं पावर्टी एलिविएशन के लिए, एग्रीमेंट साइन हुआ है कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और टेक्निकल ट्रेनिंग के बारे में। उसके अलावा फॉरेस्ट्री, अर्थ साइंसेस और ट्रांसफर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, ये तो MOU साइन हुए। और ये जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉनिक है, इससे मैं शायद ये समझ रहा हूँ कि रीलोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री टू पाकिस्तान तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा पैसे भी उन्होंने $1.5 बिलियन की ग्रांट दी है, जो कि लोन नहीं है। उसके अलावा 1.5 बिलियन का लोन दिया है, 3 बिलियन सीपेक और 6 बिलियन इकोनॉमिक एड देंगे ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। तो लमसम $3 बिलियन का कैश पाकिस्तान को मिलेगा ब्रिज फाइनेंसिंग के लिए, और 3 बिलियन सऊदी अरब से। तो $6 अरब की ब्रिज फाइनेंसिंग तो एक तरह से इन दो मुल्कों से हो जाती है। अभी दुबई वगैरह भी जाएंगे और IMF भी आएगा, तो इस लिहाज से बड़ा सिग्निफिकेंट है। इसकी एक और सिग्निफिकेंस ये है कि मिडल ईस्ट और उन दौरों के बाद अभी तक अमेरिका नहीं गया कोई भी। पहला जब अमेरिका की तरफ हम झुक रहे थे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान रशिया के दौरे को छोड़ के वहाँ चले गए थे। इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टर अमेरिका के दौरे को, जो UN में था और बॉर्डर लाइन पर मुलाकात, छोड़ के चाइना गए हैं। तो ये चाइना की तरफ यानी कि यूरेशिया की तरफ क्लियर पाकिस्तान की रीअलाइनमेंट और फुटवर्क नज़र आता है। और सर, इससे आप क्या समझते हैं कि जिस तरह हमारा CPEC एक बहुत बड़ा माहदा उनके साथ हुआ, वो उस पर काम भी हो रहा है और इंटरनेशनली हमें इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डिस्कस भी किया जाता है, तो इस दौरे से जो है वो CPEC के माहदे पे कोई असर पड़ेगा? देखिए, रेलवेज़ के बारे में जो MOU हुआ है, अगर पाकिस्तान में डुअल कैरेज रेलवे लाइन बन जाती है ग्वादर से लेके या कराची से लेके आगे खुंजराफ पास तक, और ग्वादर को भी कनेक्ट किया जाता है, तो उससे बड़ी सी चेंज आ जाएगा। क्योंकि एक जो लोकोमोटिव है वो 50-60-100 बोगियाँ खींचता है, और जो एक ट्रक से बड़ी होती है, और एक हर ट्रक के लिए अलग इंजन चाहिए होता है, डीजल चाहिए, और लोकोमोटिव जो है वो 2-4 ट्रकों से ज़्यादा डीजल नहीं खा रहा होता। तो रेलवे इज़ द चीपेस्ट मोड ऑफ फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन बाय थ्रू सरफेस करने के लिए, पानी के बाद दरिया में भी नेविगेशन होती है, वो इससे भी सस्ती है, लेकिन ये बड़ी सस्ती है। तो इससे बड़ा दूसरा ये होगा कि अगर रेलवे बन जाता है तो एक दफ़ा फिर फेडरेशन मजबूत होती है उससे, कि तमाम सूबों में से गुजरती है और आने जाने के ट्रांसपोर्ट लोग आते जाते हैं। कहाँ देखते हैं इस और मईशत को, ये जो CPEC जो है, ये जो अभी माहदे हुए हैं, इनमें कुछ तो इमीजिएट है, जैसे ब्रिज फाइनेंसिंग $3 अरब की ग्रांट और लोन की, ब्रिज फौरी तौर पर इमीजिएट है वो, और कुछ मिड टर्म है जो एग्रीमेंट है, पावर्टी एलिवेशन, कोऑपरेशन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, टेक्निकल ट्रेनिंग, जो है ये मिड टर्म है मंसूबे हैं 2-3-4 साल में, और जो आगे फॉरेस्ट्री, अर्थ साइंसेस, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स उन्होंने कहा है, लेकिन रीलोकेशन ऑफ इंडस्ट्री अगर इलेक्ट्रॉनिक वगैरह होता है करने के लिए, तो ये लॉन्ग टर्म है। तो शॉर्ट, मिड और लॉन्ग टर्म तीनों लिहाज से हम चाइना के साथ काफ़ी हद तक इंगेज होने का इम्कान है। फिर एग्रीकल्चर वाला बड़ा इम्पॉर्टेंट है, उसकी वजह है कि जो एग्रीकल्चर लैंड है चाइना में बहुत ज़्यादा नहीं है, हिल्स हैं उनके ज़्यादा, हिमालयन यहाँ पे वेस्ट चाइना में,
और दूसरी साइड पे कुछ है बट फूड उनको चाहिए कि अभी तो सेल्फ सफिशिएंट है वो, किसी हद तक इम्पोर्ट भी करते हैं बट कोई इतना मसला नहीं है। बट द नीड, पाकिस्तान के पास बेशुमार लैंड पड़ी हुई है जिसे यूज़ नहीं कर रहे, तो अगर कॉरपोरेट फार्मिंग शुरू हो जाती है, इसमें ख़तरात भी होते हैं कि उगे यहाँ और जाए वहाँ, कॉरपोरेशन उगा के ले जाएँ आपकी एग्रीकल्चर की, आप ख़ुद ना यूज़ कर सकें, लेकिन इसको ख़ुद तो हम कभी डेवलप ही नहीं कर सकेंगे। यानी आप ये समझ रहे हैं कि ये जो दौरा है या वैसे चीन के साथ हमारे तल्लुकात जो हैं वो हमेशा से वैसे भी अच्छे रहे हैं, लेकिन अभी जो करंट गवर्नमेंट है उसका ये इमरान खान साहब का जो दौरा है, न्यू लेयर जो सेडिमेंटरी रॉक्स होती है ना, नए हॉरिजन जो है उसके रास्ता खुल रहा है। जी, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे वज़ीर आज़म के दौरा चाइना का, जो उनका पहला सरकारी दौरा है, लेकिन इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी ताहिर साहब कि इतनी ग्रांट भी आ रही है और ये 5 रोज़ा दौरा था वज़ीर आज़म का, ठीक है, तो वो वापस आ रहे हैं 5 तारीख को, लेकिन 7 नवंबर को IMF का एक डेलीगेशन आ रहा है, तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं, इतनी ग्रांट भी आ रही है और फिर इधर से भी आप IMF से भी ऑब्वियसली आपको पैसे मिल रहे हैं, तो इसको क्या देखें, आप ख़र्चा ज़्यादा करेंगे, आमदन कम होगी तो आप बैंकरप्ट हो जाएंगे, अगर ख़र्चा कम करेंगे और आमदन ज़्यादा होगी तो सरप्लस हो जाएगा और उसे आप डेवलप करके, इसे कहते हैं फिस्कल साइड, फिस्कल फ्रेमवर्क। IMF जो है वो कंट्रीज़ की फिस्कल मैनेजमेंट करता है, यानी कि डॉक्टर इनिशियली बीमारी को एड्रेस करता है, ये पैसे हमें मिल गए हैं लेकिन जो इकोनॉमिक बीमारी थी जिसकी वजह से ये बुरा हाल हुआ है, बीमारी अभी तक एग्जिस्ट करती है, तो IMF इज़ अ डॉक्टर विच इज़ गोइंग टू गिव अस अ प्रोग्राम, और उसके बुनियादी मकसद यही होता है कि बीमारी को क्योर किया जाए, जिससे हमें फिजिकल डिसेबल, वो डिसाइड करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें, और IMF की तैयारी के लिए उन्होंने पहले ही जैसे कन्वेंशन सेंटर को प्राइवेटाइज करने का उन्होंने अनाउंस कर दिया। अब कन्वेंशन सेंटर में मैं बचपन से देख रहा हूँ, इसमें मतलब मेरे कैरियर का जो बचपन है, OIC की स्पेशल समिट हुई थी जिसमें किंग अब्दुल्ला, प्रिंस अब्दुल्ला थे और वो आए थे, यासर अरफात और हाशमी रफसंजानी ईरान से, वो सारे आए थे, कन्वेंशन सेंटर में हुआ था। कन्वेंशन सेंटर में होते ही कुछ नहीं, वो खाली पड़ा रहता है, पड़ा उसकी मेंटेनेंस पे कॉस्ट, पहले तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ के कॉन्वोकेशन भी हो जाते थे, अब तो वो भी नहीं होते, तो इसे अगर प्राइवेटाइज कर देंगे तो एक तो पैसा मिल जाएगा क्योंकि प्राइम लैंड है, बिल्कुल इस्लामाबाद का अभी ये दिल, अगर इसे कहें तो इट्स दी मेन साइट, जिसने आना है इस्लामाबाद या जाना है गुजर के, और VIP मूवमेंट अब तो एयरपोर्ट पर ही चला गया, लेकिन नूर खान बेस से VIP मूवमेंट हमेशा होनी है, यहाँ से गुजरना, तो बड़ा अच्छा फैसला ही। और PIA और स्टील मिल जो कि नेशनल सिल्वर थी, जो फैमिली सिल्वर थी, उसे नहीं बेच रहे, तो जो IMF के लिए पहले ही तैयारी एक तरह से करनी गवर्नमेंट ने शुरू की भी है। सर देखिए, चाइना से वापस आ रहे हैं 5 को, 5 रोज़ा दौरा था, 5 को वापस आए, तो 7 नवंबर को ये भी आ रहे हैं। नहीं, इमरान खान ने खुद थोड़ा करना, वज़ीर आज़म ने खुद थोड़ा करना है, टीम यहाँ बैठी हुई है, सेक्रेटरी फाइनेंस यहाँ पे हैं, असद उमर जो हैं उनकी टीम पूरी तैयारी की है। देखें, बात यह है कि मुझे अगर कोई मुसीबत पड़ती है और पैसों की बेल आउट की ज़रूरत पड़ती है तो मुझे एग्जैक्ट पता होता है कि कौन कौन से खर्चे मैं कम कर सकता हूँ और कौन कौन से, फिर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे दफ्तरों में लोग रावलपिंडी से ट्रैवल करके यहाँ पे आते हैं कार पे, और रोज़ाना 400-500 रुपये का पेट्रोल लग जाता है, अगर मुसीबत पड़ जाए तो मेट्रो पे भी आ सकते हैं, तो 200-300 रुपये की बचत हो सकती है। तो IMF जो है वो फिजिकल डिसिप्लिन करने के लिए मॉनेटरी साइड पे भी इस दफ़ा मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो कुछ कहेंगे, ठीक तो है। सर, दूसरा एक बात और है कि 6 अरब डॉलर नहीं है, हमें काफ़ी 27-28 अरब डॉलर चाहिए सारे साल के लिए, क्योंकि जो लोन रिटायर करने का भी वक्त आ रहा है, IMF का पुराना लोन भी देने का वक्त आ रहा है, तो इसलिए IMF से बात करेंगे और देखना ये है कि पैकेज किस टर्म पे लेते हैं वो, क्योंकि ग्रोथ की पाकिस्तान को ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल, लेकिन IMF जब आमतौर पे पैकेज फिजिकल डिसिप्लिन, जब आप खर्चते नहीं तो ग्रोथ नहीं होती, ये ऐसे ही है कि दुकान के ऊपर आप खर्चा करेंगे, माल ज़्यादा रखेंगे, बिकाई ज़्यादा होगी, और अगर नहीं करेंगे तो कम होगी। जी, तो इसके अलावा सर, ये जो एवन फील्ड जो केस था उसकी समाप्त होने जा रही है दोबारा से, वो भी 7 नवंबर को ही है, तो आपके ख्याल में क्या क्या पेशरफ्त होगी इसमें? मुझे लगता है कि अदालत, ज़ाहिर है एक कानून के, मैं ये तो नहीं कह रहा कि अदालत अपनी ख्यालात को देखेगी, कानून के अंदर अंदर है, और हाई कोर्ट ने ये किया था कि उन्होंने 2 साइमल्टेनियसली अपील्स सुनी, जिसमें एक को सज़ा को ख़त्म करने की अपील थी ज़मानत, और दूसरी में करने, तो उन्होंने जो रिलीफ ओवरऑल दी और उसके साथ सज़ा भी ख़त्म कर दी और वो बाहर आ गए।
अब उसके खिलाफ नैब अपील में गया हुआ है जिसे चीफ जस्टिस खुद हेड कर रहे हैं। ठीक है सर, और लगता यह है कि शायद हो सकता है, इम्कानात मुझे ये लगते हैं कि शायद हो सकता है कि वो दोबारा जो थोड़ी सी रिलीफ दी गई थी शायद वो रिवर्स हो, मे भी हो जाए। ठीक है जी, हम डिस्कस कर रहे थे कि एवन फील्ड केस में क्या पेशरफ्त होती है और मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ जो हैं वो ख़ुद केस की समाअत के लिए भी पेश हो रहे हैं, लेकिन अभी इस वक्त जो है हम डिस्कस करते हैं कुछ फिगर ऑफ़ द वीक के बारे में। मौलाना समीउल हक साहब जो हैं जिनका भी रिसेंटली लास्ट नाइट जो है उनका मर्डर किया गया, लेकिन सर आप क्या समझते हैं कि ये किस तरह की शख्सियत है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, कोड़ा खटक में जो वो मदरसा अकानियाँ चलाते थे उसके अंदर जो पढ़े हुए लोग हैं जो इनके शागिर्द थे, शागिर्द से मुराद है कि जैसे टीचर मदरसों में होता है उसका खाना ले के आते हैं, उनकी जूतियाँ सीधी करते हैं उस्ताद की, और उस्ताद कई दफ़ा उन्हें सबक याद कराते हुए सोटियाँ मारते करने के लिए, तो जो लंबे लंबे अरसे आप पढ़ते हैं उनके सामने वो आँख उठा के बात भी नहीं करते, पीछा करके कमरे से नहीं निकलते, उस किस्म के माहौल के पढ़े हुए लोग कौन थे? गुलबुद्दीन हिकमत यार, रब्बानी जो सदर रहे अफगानिस्तान के, और ये मुल्ला ब्रदर, और मतलब जो एलीट अफगान डायस्पोरा था या एलीट अफगान जो पॉलिटिकल लीडर थे या जो मिलिटेंट लीडर थे करने के लिए, तो ये एक तरह से तालिबान के जो अखवान तालिबान हैं उनके आप यूँ समझे कि रूहानी बाप टाइप शख्सियत थी। इस वक्त अब पाकिस्तान और पाकिस्तान में कह रहा हूँ, आई एम सॉरी, अफगानिस्तान के तालिबान और अमेरिका के दरमियान बातचीत हो रही है, क्योंकि अमेरिका मिलिट्री मसल अमेरिका के जो फेल हो गए, नाउ दे वांट अ नेगोशिएटेड सेटलमेंट, और अमेरिका चाहता है कि वो वहाँ हमेशा रहे बट उसको पीस वहाँ पे आ जाए ताकि बहुत ज़्यादा फौज ना डिप्लॉय करें, क्योंकि ये पॉसिबल। अब वो तालिबान से बात कर रहे हैं, उन्होंने जो शर्तें थी वो मुल्ला ब्रदर इन्होंने यहाँ से रिलीज़ किए, उनको जो पहले पकड़ा हुआ था पाकिस्तान के पास थे वो इन्होंने पकड़ा हुआ था, और पहले जब पीस प्रोसेस में रिलीज़ करना था इन्होंने नहीं किया, और वो पीस प्रोसेस मुल्ला मंसूर अख्तर की हलाकत के बाद कोलेप्स कर गया। अब इन्होंने रिलीज़ किया और वो आगे चल रहा था, और समीउल हक जो हैं ही वॉज़ अ गो बिटवीन द पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एंड दी अफगान जो पीस प्रोसेस में तालिबान, जिनको पाकिस्तान इकट्ठा कर सकता है, तो ये एक चेन का लिंक था, वो लिंक तोड़ दिया उन्होंने उनको मार के या शहीद करके, और नज़र ही आता है कि इंडिया और जो अफगानिस्तान की है बिकॉज दे डोंट वांट के अमेरिका जाए वहाँ से। बिल्कुल, क्योंकि अमेरिका अगर चला जाता है तो इंडियन फोर्सेस जो हैं वो डायरेक्टली वल्नरेबल हो जाएंगी, और अभी तो अमेरिकनों की ही है तो कैजुअल्टीज़ वो तो अगर 50-60 रोज़ होती हैं तो वो तो काम बड़ा ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल सर, इस तरह की चीज़ें जो हैं जब होती हैं सोसाइटी में या वैसे ओवरऑल इंटरनेशनली भी फ़र्क पड़ता है। तो सर अगला जो हमारा फिगर ऑफ द वीक है वो है आसिया बीबी, जिनके अभी रिसेंटली वर्डिक्ट आया है। तो सर बहुत से लोगों को ये भी क्लियर ही नहीं है कि आसिया बीबी कौन थी या क्या उनका। आसिया बीबी एक रूरल एग्रीकल्चर खेतों में काम करने वाली लेबर थी, लेबर फोर्स का हिस्सा थी, और वहाँ पे जो मुसलमान औरतों के साथ या मर्द भी होंगे खेतों में, तो आपको देहातों में पता है हर तरह की लेबर काम करते हुए, मजहबी बुनियादों पे बातचीत के दौरान कहा यह जाता है कि उसने रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, बुरी बात कही होगी, उन्होंने कहा होगा तुम्हारा मजहब, वो रिपोर्ट हुई और आगे केस बना और 295C के तहत उसको सजाए मौत हुई, और आगे चलते चलते सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिवर्स करके उसको रिलीफ दे दी। सर 8 साल से केस चल रहा था, लेकिन फिगर ऑफ द वीक इसलिए है कि पाकिस्तान एक तरफ तो पैसे इकट्ठे करता हुआ जा रहा है और दूसरा $1 बिलियन से ज़्यादा का 3 दिन में नुकसान हुआ है एक शख्स को सजाए मौत दिलवाने के लिए, बचाने के लिए नहीं, उसको दिलवाने के लिए। तो इस दफ़ा क्लियरली हम कह सकते हैं कि फिगर ऑफ द वीक ये है, क्योंकि बड़ा हाई प्रोफाइल, और फिर इसने स्टेक्स बड़े हाई कर दिए, क्योंकि गवर्नमेंट अपील में नहीं जा रही, अपील में प्राइवेट लॉयर हैं जो जा रहे हैं वो ख़त्म हुआ है, आगे अब क्या चलेगा, और ये आसिया केस जो है ये अब रहेगा जुडिशल उसमें लेक्सिकॉन में, इसे कोर्ट किया जाता रहेगा। और फिर दूसरा ये है कि जो एक्सट्रीम मिलिटेंट पाकिस्तान में मिलिटेंसी की तरफ रुझान रहा 40 साल से शुरू हुआ, सिलेबस के अंदर चीज़ें गईं और फिर वो हुआ है, अब वो लगता है कि टॉप पे डिसीजन हुआ है कि इसको शायद रिवर्स करना ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली इससे बजाय पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के
पाकिस्तान पे इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल एस्टेब्लिश हो जाता है. बिल्कुल. तो उसको ख़त्म करने के लिए, इंडिपेंडेंट सॉवरेंटी की तरफ जाने के लिए, तो अब इसमें 10-15-20 साल लगेंगे. और ये रास्ते में बनाए हुए, अपने हाथ से ही बनाए हुए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया हुआ है, ये आएगा और उसे डिमोलिश करना पड़ेगा. बिल्कुल सर, टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं सोसाइटी को, सोसाइटी में पीस रखने के लिए. आज तक हाथ से लगाई हुई गिरें कई दफ़ा दांत से खोलनी पड़ती है. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सही. थैंक यू सो मच ताहिर साहब प्रोग्राम में आने के लिए. और आज तक के लिए इतना ही था. इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक के लिए जो है मज़ीद जो डेवलपमेंट्स अगले हफ्ते होंगी उसके साथ हम अगले प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे. अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.